जय श्री राधे। यदि आपको भी अपने जीवन में चारों तरफ दुख ही दुख नजर आए तो आप घबराएं नहीं, बस रखिए कुछ इन बातों का ध्यान। और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं, पर ये हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु आपकी वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर, तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना भगवान की वचन, एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता, अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले, अंदर की बात है। आपको ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए, द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण, क्यों, अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर कांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं है। मेरे पांच पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है, क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है। द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े पीठ बैठे, एक बार भी नहीं आया कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में, एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था, विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में, बड़ा उपहास कर रहा है कर्ण और दुर्योधन, गंदे शब्दों से बोल रहा है, नहीं बोलना चाहिए ऐसी धर्मात्माओं की सभा में, ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो पांचों पति सर झुकाए बैठे, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह है, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का, क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी, अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है, कहां कोई बात सुनने वाला। खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है, द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई, सोचा गया अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए, दांत से पकड़ लिया, अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी, स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिका वासी। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया, मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति, कोई भी कहीं भी कैसे भी। मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रया भगवत
ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवत आश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रय और एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं जैसे बाली वैसे ही सुग्रीव, इतना भी अंतर नहीं ना आचरण में ना बल में, किसी भी तरह समान भाई थे दोनों, और रूप भी बाली और सुग्रीव को खड़ा कर दे तो भगवान भी पहचानने में, तभी माला पहनाया था भगवान, एकदम एक रूप एक बल एक स्वभाव एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। जब भगवान ने बाण मारा सामने देखा कोटि कंदर्प दमनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गंभीर मुद्रा, तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते हमारे सामने खड़े हैं, पर थोड़ा इनसे बात भी तो कर ले। तो कहा प्रभु सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, फिर पर आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, पर मैं जानता हूं क्योंकि साथ ही खेला हूं, मेरे आचरणों से उसके कम आचरण नहीं है, जैसा मैं वैसे ही मेरा भाई, मैं जानता हूं, पर ये क्या एक का पक्षपात लेके छुप के हमारी छाती में बाण मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या कारण? एक शब्द यही भगवान का था, अय देहाभिमानी तूने सुन नहीं रखा था कि ये मेरी शरण में हो गया है, अभी अभी हुआ है, कोई तपस्या नहीं कोई साधना नहीं, और हुआ कैसे? महाभागवत हनुमान जी के द्वारा कराया गया। बस ये मदाश्रय शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बस इसका परिचय नहीं मिल पाता है, ये कैसे हो ऐसा लगता है। हाँ अब क्या करूं, तब साधन बताया जाता है, करो क्योंकि तुम्हारा करने में राग है, जब करते करते हार जाओगे तब फिर यही शब्द बताया जाएगा मदाश्रय, हो जाओ भगवान की।